मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब किसानों को हर साल 3 किश्त में कुल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो 4,000 मिलते थे, मुख्यमंत्री जी ने 6,000 की घोषणा की थी, या प्रधानमंत्री जी के 6,000 मुख्यमंत्री जी के, ऐसे 12,000 रुपया। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि 12,000 लाडली बहनों को, अब लाडले भैया को भी 12,000 हो गए, और जो मां है, सास कह सकते हैं उसे, मां भी कह सकते हैं, उनको भी जैसा कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि आगे बढ़ाएंगे, तो अगर हम देखें तो 12,000 अभी लाडली बहनों और लाडली भैयाओं के लिए ये 12,000 रुपया हुआ। पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी, पंचायत सचिवों के लिए उस घोषणा से पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल पंचायत सचिवों के अंदर है। जो 7वें वेतनमान की बात की घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उसे सहमति दी गई। इसी तरह से जो अन्य घोषणाएं थी जिनमें अतिरिक्त व्यय भार 178.88 करोड़ का आना था, उसको भी आज कैबिनेट के द्वारा पंचायत सचिवों के लिए उक्त राशि की अनुमति दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।